और एक बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट 2% और घटा दिया और इसके बाद राजस्थान में पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल 4.85 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम हुए और ये घटी हुई दरें आज सुबह से लागू हो गई है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से वैट 2% कम कर दिया है और पेट्रोल 5.30 रुपए, डीजल 4.85 रुपए सस्ता हुआ। बहुत अच्छा कदम उठाया है इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। देखिए, घटाए तो अच्छी बात है कि घटा हुआ है, लेकिन मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपये महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। सरकार ने जो ये 2 रुपये घटाए हैं बहुत अच्छी बात है और काफ़ी राहत देश को मिलेगी। और तेल के दामों में कटौती पर गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, देशवासियों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। मोदी जी के प्रयासों से देश में पेट्रोल के दामों में पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दामों में लगभग 17 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है और इस निर्णय के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। गृहमंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार। और अब हम आपको बताते हैं कि 2 रुपए कीमत घटने से अब पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर कितनी हो जाएगी। दरअसल आप तस्वीरों में देखें, 2 रुपए सस्ता हुआ है। दिल्ली में पहले 96.72 रुपए था और अब 94.72 रुपए हो गया है। और दिल्ली में राजधानी में यह असर, मुंबई में ही पहले 106.31 रुपए था और अब घट करके 104.21 रुपए मुंबई में रेट हो गया है। कोलकाता में पहले 106.03 रुपए था और अब जबकि कीमत कम हुई 103.94 रुपए कीमत, और चेन्नई में पहले 102.63 रुपए और अब पेट्रोल सस्ता हुआ तो 101.18 रुपए चेन्नई में इसकी कीमत है। लखनऊ में पहले 96.54 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था और अब 94.65 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। नोएडा में पहले 96.59 रुपए पेट्रोल था और अब 94.66 रुपए पेट्रोल हो चुका है नोएडा में। गुरुग्राम की बात करें तो पहले 97.18 रुपए कीमत थी और अब 94.98 रुपए कीमत हो गई है 2 रुपए घटने के बाद। शिमला में पहले 97.20 रुपए कीमत थी पेट्रोल की और अब 2 रुपए जबकि सस्ता हुआ 95.24 रुपए इसकी कीमत शिमला में हो गई है। पटना पर नजर डालें तो पहले 107.59 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा था पटना में और अब 105.48 रुपए। 2 रुपए घटी तो रांची में पेट्रोल की कीमत हो गई 99.84 रुपए और अब पहले थी और अब हो गई है घटकर के 97.81 रुपए। पहले रायपुर में पेट्रोल मिल रहा था 102.56 रुपए प्रति लीटर और अब घट करके 100.39 रुपए हो गया रायपुर में पेट्रोल का रेट। भोपाल में पहले 108.75 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था और अब 2 रुपए सस्ता हुआ तो 106.31 रुपए हो गया है। चंडीगढ़ में पहले 96.20 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था, अब दाम घटे तो 94.24 रुपए कीमत हो गई है। अमृतसर में इसकी कीमत पहले थी 98.74 रुपए और अब घट करके 96.81 रुपए हो गई है। वहीं बिहार में आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार और सीट बंटवारे पर कहा कि बहुत जल्द दोनों के बारे में पता भी चल जाएगा। पहले कल होने था ये कैबिनेट विस्तार, लेकिन अब आज ये विस्तार हो सकता है और नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल्द सारी जानकारियां सार्वजनिक हो जाएगी। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार एनडीए में आने के बाद अब इस तरह से यह विस्तार देखा जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव अब बेहद करीब है, अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। जल्दी हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार का, जल्दी होगा, अब इसके बारे में खबर तुरंत मिलेगा, हम उसमें लगे हुए हैं। और अब हम आपको समझाते हैं कि जेडीयू कोटे से कौन कौन संभावित विधायक शपथ ले सकते हैं, और तस्वीरें अब आप देखिए, ये है वो संभावित नाम, अशोक चौधरी, रत्नेश थदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल और जयंत राज के नाम जेडीयू कोटे से
संभावित नाम हैं जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाने वाले संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं, उन पर भी जरा गौर करिए। नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार, तो बीजेपी के कोटे से आ सकते हैं मंगल पांडे, नितिन नवीन और प्रमोद कुमार। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि आज हो सकता है विस्तार और इन नामों को मिल सकती है नीतीश मंत्रिमंडल में जगह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से धुआंधार प्रचार की शुरुआत आज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी से प्रचार की शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री 19 मार्च तक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी तेलंगाना में रोड शो भी करेंगे और माना जा रहा है कि दक्षिण में अब चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जबरदस्त रैली के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दक्षिण पर फोकस किया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, सीएए पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर पूरी तरह से चुप हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सीएए के मुद्दे पर हम ना झुकेंगे ना चुप रहेंगे। केरल के सीएम का यह बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए का विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने तक का आरोप लगाया है और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में अब सीएए देश में वापस नहीं होगा। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों के एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान और भारत तो के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट कौन करेगा, धार्मिक प्रताड़ना कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ। ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की पार्टियों की ओर से किए जा रहे सवाल और हमलों पर पलटवार किया है और हर आशंकाओं को निराधार बताया है।